Hello everyone, my name is Sujit Singh Kohli. I am from Connect from my shop Dwarka Sec-7. आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल नया मॉडल आया था 1 month पहले जो लॉन्च हुआ था वो है Reno 2Z. इसकी बात करें इसका फ्री प्राइस जो है अप्रॉक्स 30,000 के अप्रॉक्स है. बाकी हमारे स्टोर्स वगैरह के ऑफर्स भी आते रहते हैं जैसे कि डिस्काउंट कूपन वगैरह सबको लगा के, तो इसका एक्चुअली प्राइस पड़ता है आपको अप्रॉक्स 28 समथिंग पड़ता है आपको. तो इस मॉडल के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना चाहूँगा. जैसे कि इस मॉडल में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 4 कैमरों के साथ इसको लॉन्च किया गया था. बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि 4 कैमरे क्यों यूज किए गए हैं. एक कैमरा पहले आता था उसमें भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन मैं आपको इसकी क्वालिटी और 4 कैमरे का जो फीचर है उसको आज बताना चाहूंगा. इसमें 4 कैमरे दिए गए. बेसिकली इसमें फर्स्ट कैमरा जो दिया गया 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का दिया है. सेकंड जो दिया गया 8 मेगापिक्सल दिया गया है, और थर्ड जो है 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल फोर्थ कैमरा. तो 48 मेगापिक्सल का बात करें उसमें आपको 1.7 का पिक्सल मिलता है जो कि आपको कवर करेगा अल्ट्रा डार्क मोड के लिए. जैसे कि नाइट में आप कहीं डार्क प्लेस पे पिक्चर खिंचवाते हैं, इसमें क्या होगा वो कैमरे में क्वालिटी जो आएगी आपको इनहेंस होकर आती है, क्वालिटी आपकी एकदम क्लियर आती है, अंधेरा या डार्कनेस नहीं आएगी. उसके बाद जो 8 मेगापिक्सल की बात करें उसको 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल के लिए लगाया गया कैमरा, जिसमें आप 116 डिग्री के अप्रॉक्स जितनी भी फोटो खींच सकते हैं. जैसे कि आप पार्टीज वगैरह में जाते हैं 8-10 बंदे होते हैं तो आपको अपना कैमरा पीछे करके फोटो खींचनी होती थी. इसमें क्या आप अपना वाइड एंगल यूज करते हैं तो आपको जितने भी मेंबर्स हैं सारे आपको एक फ्रेम में मिल जाएंगे. इसका ये फीचर. इसके बाद बात करते हैं 2 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको DSLR मोड कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि पोर्ट्रेट मोड है, DSLR मोड है. इसमें आपको बात करते हैं उसमें क्या होता है, आप जो 2 मेगापिक्सल कैमरा यूज करेंगे उसमें क्या होगा, आप कहीं खड़े हैं तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा तो आप उसको पोर्ट्रेट के थ्रू बैकग्राउंड ब्लर करके आपकी फोटो भी इनहेंस हो जाएगी, इसमें आपको क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट कैमरा एक आता है इसमें 2 मेगापिक्सल, उसमें बात करें 2 मेगापिक्सल की, तो इसमें क्या है हाइब्रिड जूम है. इसको आप जैसे कि यहाँ खड़े हैं सामने 10x जूम तक जूम कर सकते हैं. इसके लिए बेसिकली एक एक्स्ट्रा कैमरा दिया गया 2 मेगापिक्सल का जो इसमें यूज कर सकते हैं. और अगर आप इसकी बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है विद पॉपअप कैमरे के साथ. ये आप देख सकते हैं पॉपअप कैमरे के साथ. इस पॉपअप कैमरे की बात करें, इस पॉपअप कैमरे में जो आप देख सकते हैं जब ये बाहर आता है तो इसमें लाइटनिंग आती है. ये आप देख सकते हैं कि जब भी ये बाहर आएगा तो लाइटनिंग आती है ब्लू कलर की या अलग अलग, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग पे जाके. उसके बाद जिससे कि क्या होता है पॉपअप के थ्रू आप फोटो खींचते हैं तो आपकी पूरी डिस्प्ले फोटो नजर आती है, जिससे पिक्चर क्वालिटी वीडियोस वगैरह भी आप अच्छे से देख सकते हैं. उसके बाद हम करते हैं इसकी हार्डवेयर की बात. हार्डवेयर में देखते हैं इसमें आप जो यूज हो रहा है 8GB RAM के साथ और 256GB आपको इसके साथ इंटरनल मिल रही है. इसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम फोन में क्या होता है 256GB होता है तो आप एडिशनल मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, लेकिन 2 SIM नहीं चला सकते हैं. इसमें आपको तीनों स्लॉट मिलते हैं 2 SIM के साथ, एक्स्ट्रा 256GB तक का मेमोरी कार्ड भी एक्सपेंड कर सकते हैं. उसके बाद इसकी बात करते हैं हम एक इंटरनल फीचर जो दिया गया है फिंगरप्रिंट डिस्प्ले की इसमें बात करें सबसे मैटर करता है डिस्प्ले की स्पीड फिंगरप्रिंट की. इसमें आपको 0.3 सेकंड में फिंगर ऐसे टच किया आपका स्पीड फोन खुल जाएगा. उसके बाद इसमें बात करते हैं हम अपना प्रोसेसर वगैरह की. प्रोसेसर इसमें आपको P90 का प्रोसेसर दिया है, जिसमें कि आप स्मूथिंग गेमिंग वगैरह खेल सकते हैं, इससे कि आपको कोई हैंगिंग या लैगिंग इशू नहीं होगा. उसके बाद इसमें आपको अल्ट्राडा बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं, कैमरा के हो गए या फीचर डिस्प्ले के हो गए. इसमें आप स्प्लिट स्क्रीन वगैरह के फीचर्स भी करते हैं डिस्प्ले पे डुओ, जैसे कि आप देखते हैं कि एक आप व्हाट्सएप कर रहे हैं यूज, अगर आपने यूट्यूब पे कुछ देखना है तो आप 3 फिंगर स्लॉट करेंगे, इससे कि आपको स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगी, डबल डिस्प्ले हो जाएगी एक डिस्प्ले. और इसमें दूसरी बात करें जैसे कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसमें एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज की गई थी. पहले TFT डिस्प्ले यूज होती थी, ओप्पो ने यूज की थी, और लेकिन इसका हाई रेंज का मॉडल था, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, काफी पिक्चर क्वालिटी भी इनहेंस मिलती है और बैटरी कंजम्पशन भी कम होती है. और इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि चार्जिंग स्पीड की. इसमें चार्जिंग के लिए कस्टमर को अच्छा बेनिफिट्स मिले इसके लिए इसमें रूप चार्जिंग 3.0 यूज किया गया है. इसका बेनिफिट ये है कि अदर से आप कोई भी चार्जर यूज करते हैं उसमें 1 आवर 1 मिनट 30 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन इसमें आपको 30-35 मिनट्स में आपको पूरा फोन चार्ज होगा, जिससे कि आप अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि फोन आप ज्यादा यूज कर पाएंगे और टाइमिंग कम है. और ये थे हमारे Reno 2Z के फीचर्स, इसलिए मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया है. और आगे के नए मॉडल्स की जानकारी ले सकते हैं हमारे इसी चैनल पे, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे. थैंक यू. मैं आपका